हमारी एक थ्योरी है पुरानी रस और भाव की, वो हर आर्ट फॉर्म को अप्लाई करती है। तो उसमें ये होता है भाव वो है जो कि म्यूजिशियन क्रिएट करता है, जिसके लिए वो ट्राई करता है, जिसके लिए वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है, तपस्या करता है, मतलब उस अब तक करता आया है, अब शायद उसके पास टूल्स और हो जाएं, लेकिन उसमें वो इमेज जो उसके अपने अंदर वो फीलिंग्स पैदा कर रही हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना। वो इमेज क्या है जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जिसको वो रीच करना चाह रहा है, ठीक है, जो उसके पास स्किल्स हैं उससे। रस क्या है कि जब वो खुद उससे मुस्तफीद होता है तो वहाँ पे वो भाव ख़त्म हो जाता है, वहाँ रस शुरू हो जाता है। रस वो इफ़ेक्ट है जो उस सारे उस प्रोसेस से जो उसने इम्बाइब कर लिया है। अगर आप नियत आपकी है रस पैदा करने की, तो आप अपने लिए सबसे पहले रस पैदा करेंगे। तो और रस के शॉर्ट ऑफ रस वो कुछ भी नहीं होगा, कि वो उनके एक विजन था कि म्यूजिकल साउंड में इतनी ताकत है कि वो इंसान को बदल सकती है, वो इसमें बिलीव करते थे। जिंदगी का मतलब यही है कि चलती बहती धारा है ना, उसमें डंप्स में भी जाएंगे, दलदल में भी फंसेंगे, शायद आसमानों पर भी उड़ने लगे कुछ अरसे के लिए, लेकिन अच्छी चीज़ें तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जिंदगी तो बहुत तल्ख और डार्क चीज़ है। हर आज चीज़ जहाँ पे पूरी इंसानियत खड़ी है, रिसोर्सेज का ताल्लुक नहीं, टैंजिबल्स का ताल्लुक नहीं उससे।